भारत में ऐसे बहुत ही कम नए ऑटोमोबाइल प्लेयर्स या ऑटोमोबाइल ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने भारत के सबसे पॉपुलर और स्थापित जो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं उनको सीधे तौर पर चुनौती देने का दमखम दिखाया है। और किया उनमें से डेफिनेटली एक ऐसा ब्रांड है। इनका पहला प्रोडक्ट था किया सेल्टॉस, जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आया और उसने जो उस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार क्रेटा है उसको डिस्प्लेस कर दिया चंद महीनों में। आज भी इनके बीच में तगड़ा कॉम्पिटिशन चलता है। फिर वो आए एमपीवी स्पेस में, प्रीमियम एमपीवी स्पेस में, और उस सेगमेंट को उन्होंने रीडिफाइन किया, कुछ नयापन उस सेगमेंट को दिया, और अब वही नयापन वो लेकर आ रहे हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में विद दिस द किया सोनेट। खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसएन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द किया सोनेट। लुक्स के मामले में किया सोनेट अपनी सिबलिंग सेल्टॉस की तरह ही स्टैंड आउट करती है और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे भीड़ वाले सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स, बम्पर विद लार्ज एयर डैम एंड स्किड प्लेट, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स एटसेट्रा इसे एक स्पोर्टी लुक देने में मदद करते हैं। 16-inch alloys with 215/60 section tires, roof rails, door sills, chrome door handles, etc. इसके साइड को एक not so busy लुक देते हैं, unlike its front और rear. Rear में आपको देखने को मिलेंगे LED tail lights, integrated roof spoiler, shark fin antenna, fox skid plates with fake exhaust tips, जो कि इसे modern touch देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसका GT line variant लेते हैं तो आपको बहुत सी जगह red inserts दिखाई देते हैं, including the grill, red brake calipers, door sills, skid plates, etc. तो overall एक अच्छा design है, हालांकि कुछ लोगों को ये थोड़ा busy लग सकता है। अगर आपने हमारा किया सोनेट का फर्स्ट लुक वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में इंटीरियर के बारे में बात की थी। बट लकीली इस बार मुझे GT line वेरिएंट मिला है जो कि पिछली बार नहीं मिला था, और इस बार हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ ये आपको अलग ऑफर करता है उस वाले से। अगर आप उस वाले मॉडल की बात करोगे तो आपको डुअल टोन टाइप का एक शेड मिलता है, ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आपको थीम मिलती है ऑल ब्लैक का, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगती है, ये सिर्फ टॉप इन वेरिएंट GT line में ही मिलती है। उसके नीचे वाले वेरिएंट में भी दे दी जाती है, जो कि ठीक ठाक एक्सपेंसिव होगा, उसमें भी दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ऑल ब्लैक उस ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतर लगता है। जहाँ तक डिज़ाइन की बात है तो डिज़ाइन मुझे पहले भी लगा था कि काफ़ी बिजी है ये, और अभी भी लग रहा है। हालांकि इस ब्लैक कलर थीम की वजह से वो जो कई चीज़ें जो वहाँ पर यहाँ पे अलग कलर की दे दी गई थी, थोड़ा गोल्डन गोल्डन कर दिया गया था, ये जो AC vents के चारों तरफ है उसकी जगह यहाँ पर ये ब्लैक रखा गया है, ओवरऑल डिज़ाइन को ये ज़्यादा बेहतर बनाता है। जहाँ तक क्वालिटी लेवल्स की बात है तो आप कहीं पर भी टच कीजिए, डैशबोर्ड के ऊपर, ये नीचे या साइड में अगर आप बात करोगे, बटन्स की क्वालिटी की अगर आप बात करोगे कहीं पर भी, या फिर ये जो पूरा स्क्रीन का जो पूरा ट्रीटमेंट दिया गया यहाँ पे आप बात करोगे, कहीं पर भी आपको अननेसेसरी पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे। ज़बरदस्त इम्पैकेबल क्वालिटी है, जो कि किया की एक तरीके से पहचान ही बन गई है। पहले प्रोडक्ट से इन्होंने ये मेंटेन किया है, यहाँ पर भी आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील ज़बरदस्त लगती है होल्ड करने में, एक्चुअली वही आपको जो सेल्टॉस में मिलती है सेम वैसी मिलती है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, बाकी डिज़ाइन के तौर पर बिल्कुल वैसी है। ऑल ब्लैक लेदर फिनिश यहाँ पर भी दिया गया, रेड स्टिचेस इसको यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे GT line का टैग यहाँ पे लगाया गया है। लेफ्ट साइड में आपके पास में जो मीडिया के मोड्स हैं उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल करने के बटन्स हैं, फोन उठाने का और काटने के बटन है। राइट साइड में अगर आप आओगे तो आपको क्रूज कंट्रोल के सारे फंक्शन दिए गए, और MID जो है वो काफी आपको कॉम्प्रिहेंसिव लगने वाली है। डिजाइन के तौर पर अगर आप बात करोगे तो एक्चुअली रीड करने में ओके है, थोड़ा और ज़्यादा बेहतर ब्राइटनेस होती तो मज़ा आ जाता। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको दिया गया है, हर टायर में कितनी हवा है वो पता पड़ जाती है, फ्यूल इकोनॉमी आपकी कितनी है वो पता पड़ जाती है, उसके अलावा एक्यूमुलेटेड इन्फो जो होती है आपकी ओवरऑल जो ड्राइव की वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जहाँ तक स्पीडोमीटर की बात है वो डिजिटली आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में आपके लिए RPM मीटर दिया गया, मतलब टैकोमीटर दिया गया, राइट साइड में आपके पास में फ्यूल गेज है, और जो टेम्परेचर वाला गेज होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी फीचर्स आपको भरपूर दिए गए हैं इस कैबिन में। ये बड़ी 10.25 इंच की टचस्क्रीन आपको मिल जाती है, एग्जैक्टली वही यूनिट है जो कि आपको सेल्टॉस में मिलती है, मतलब एक सेगमेंट ऊपर जाएंगे वही सब कई सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती है। और टच रिस्पॉन्स इसका शानदार है, कोई कमी इसमें नहीं है, पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होती, अच्छी ब्राइटनेस भी है, और लगभग लगभग सभी जो आपको चीज़ें चाहिए होती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो,
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साथ में यूवो जो कनेक्ट ऐप है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले जो ऐप है, उसके जो सारे फीचर्स आपको चेकआउट कर रहे हैं, कुछ सेटिंग्स में जाना हो तो वो आप डेफिनेटली यहाँ से जा सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। साथ में आपको 7 स्पीड का बोस का ऑडियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जो कि बहुत अच्छा साउंड करता है। इस सेगमेंट में एक बेंचमार्क टाटा नेक्सॉन ने सेट किया था ऑडियो क्वालिटी में, यहाँ पर ये तगड़ा कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है। 7 स्पीकर्स जैसे मैंने कहा, फ्रंट में एक ट्वीटर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा वेंटिलेटर सीट्स आपको मिलती है, ना कि सिर्फ ड्राइवर साइड बल्कि आपको पैसेंजर जो है, साइड वाले पैसेंजर जो है उनको भी यहाँ पर वेंटिलेटर सीट्स मिलती है। एक व्यू का यहाँ पे बटन दिया गया है, उस व्यू के बटन से क्या होता है, आपका जो रियर जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इनकेस आप बहुत ही ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही पतली पतली जगह है, तो आप उसकी मदद से आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के भी मोड्स दिए गए हैं। अगर आप डीजल ऑटोमेटिक या 1 लीटर का DCT जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी दिए गए हैं, ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत इंजन ट्यूनिंग की थोड़ी फर्क आती है, जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तब उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, बट इन शॉर्ट ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स आपको दिए गए हैं और साथ में आपको जो ड्राइव के मोड्स हैं वो भी दिए गए हैं। अगर आप इस सेक्शन की बात करोगे तो ये जो है वो इसे बहुत ज़्यादा बिजी बना देता है। बहुत सारे बटन्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं और बड़े बड़े बटन्स, जैसे छोटे मोटे बटन्स नहीं हैं, सारे बड़े बड़े बटन्स हैं, धाकड़ बटन्स हैं। ऑल द क्वालिटी बहुत अच्छी है बट ये डिज़ाइन जो है वो थोड़ा बिजी कर देती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग आपको दी गई है, आई थिंक इट्स अ नाइस टच। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक रेगुलर USB मिलती है, एक फास्ट USB मिलती है और एक 12 वॉट सॉकेट दिया गया है। तो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भी आप कुछ रख सकते हैं, फ़ोन या कुछ इंपॉर्टेंट वॉलेट या कुछ ऐसा रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक में थोड़ी बड़ी बॉटल आ सकती है, इसमें थोड़ी छोटी बॉटल आ सकती है, और यहाँ पे एक्चुअली आप यहाँ पे अपनी की रख सकते हैं जो कि संभल के रहेगी। और ये है सेंटर आर्मरेस्ट, एडजस्ट नहीं होता है क्योंकि जो एयर प्योरीफायर है वो भी यहीं पर फिट किया गया है, तो उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। और अच्छी कुशनिंग है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है, एक्चुअली लेदरेट फिनिश दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे हाथ रखने में। बट जो चीज़ काम की नहीं है वो ये है, इसके अंदर ये एक्चुअली नहीं दिया जाता, और दिया जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि इसमें आप एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा हाथ भी जो है आप नहीं डाल सकते, अभी भी थोड़ा सा ही गया है हाथ, तो कहने का मतलब अनयूजबल ये एक जगह है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ या ऑन करने का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, पार्किंग मतलब फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है उनको ऑफ करने का बटन भी दिया गया है, क्योंकि कई बार अगर आप भरे ट्रैफिक में रेगुलरली जाते हैं तो आप इरिटेट ना हो, क्योंकि ये बार बार बीप करता रहता है, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इनकेस आपको चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर ऑफकोर्स आपको दिया गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो ORVM है उसे एडजस्ट करने का बटन दिया गया है, ORVM खोलने का बंद करने का ये बटन है। यहाँ पे आप देखोगे तो लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है सभी दरवाज़ों को। ड्राइवर से विंडो की अगर बात करोगे तो ये 1 टच डाउन भी हो जाता है और 1 टच अप भी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको अम्ब्रेला अपना फंसाना हो तो वो आप अम्ब्रेला भी फंसा सकते हैं। आई थिंक इट्स अ नाइस टच। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट सीट्स की, और फ्रंट सीट्स जो हैं मैंने आपको अपने फर्स्ट लुक वीडियो में बताया था कि काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं, स्पेशली अगर आपकी हाइट 5'9" 5'10" तक है तो आई डोंट थिंक परेशानी होगी आपको। हालांकि अगर आप उससे लंबे हैं तो हो सकता है थाई सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिले, बट फॉर मोस्ट इंडियंस आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। और अच्छे से आपको ये होल्ड करके रखती है, अच्छा साइड बॉचिंग सपोर्ट है। अगेन बहुत ज़्यादा अगर आप चौड़े हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लगे, कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लंबी ड्राइव्स पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी की रियर सीट को। फ्रंट सीट है वो एक्चुअली मैंने अच्छे खासे लंबा जो बंदा है उसके हिसाब से एडजस्ट की है अभी, मतलब अगर कोई लगभग 5'11" 5'10" या 6 फुट का बंदा बैठा होगा, लगभग 6 फुट का बंदा बैठा होगा तो आपके पास में इतनी जगह बच जाती है। अगर मेरी जितनी हाइट है आपकी लगभग 5'6" 5'7" के बीच में मेरी हाइट है तो उसके हिसाब से नी रूम ठीक हो जाता है। बट अगर आगे कोई 5'10" 5'11" 6 फुट का बंदा है और पीछे भी लगभग उतनी ही हाइट का बंदा बैठा है तो थोड़ी परेशानी यहाँ पे हो जाती है। मेरी जितनी हाइट के लिए आई डोंट थिंक आपको परेशानी होगी। और एक और परेशानी जो आपको रेस सीट्स में लगती है वो है स्पेस ओवरऑल, मतलब विड्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है। 2 लोगों के लिए डेफिनेटली कंफर्टेबल, एक बच्चे को बिठाना हो तो बिठा सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये एक 4 सीटर गाड़ी है, पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। और बीच में यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है चंकी सा, इसमें 2 कप होल्डर्स भी आपको दिए गए हैं विच आई थिंक इज अ नाइस टच। और जो बैकरेस्ट एंगल है वो थोड़ा मुझे काफ़ी स्ट्रेट लगता है, हल्का सा और टिल्टेड होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि अगर मेरी जितनी हाइट का भी बंदा जैसे कि अगर साइड होकर बैठना चाहे तो फिर मेरे नीज जो हैं वो आगे टच होते हैं, तो थोड़ा बेटर एंगल होता या फिर मैं इसे एडजस्ट कर पाता तो फिर और मज़ा आ जाता, बट वो चीज़ नहीं है। अच्छी बात ये है कि जो दोनों साइड के पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है।
और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एसी वेंट्स ऑफ कोर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको AQI दिखा रहा है कि कितना AQI हो रहा है इस वक्त। तो कहने का मतलब इसी के अंदर आपके एयर प्योरीफायर भी फिट किया गया। साथ में कंपनी का क्लेम है कि अब इसके साथ में आपको वायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है, मतलब दो आपको अलग अलग जो फिल्टर्स हैं वो दिए गए हैं, एक रेगुलर फिल्टर है और एक जो वायरस प्रोटेक्शन के लिए दिया गया वो एक फिल्टर दिया गया विच आई थिंक इज अ नाइस टच, स्पेशली इस टाइम पे जिस वक्त अभी हम हैं। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का यूएसबी मिलता है और यहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हैं। अगेन अ थॉटफुल टच। तो इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में आप इतनी बार सुन चुके हैं हमारे फर्स्ट लुक वीडियो में भी, इस वीडियो में मैंने बता दिया है, बहुत से और वीडियोस आपने देखे होंगे, बट जिस चीज़ के बारे में आपने नहीं सुना है वो है परफॉर्मेंस। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसी आपको चाहिए, उस हिसाब के इंजन ऑप्शंस आपको या पावर ट्रेन ऑप्शंस आपको किया ऑफर करती है। आपके पास में अवेलेबल है एक 1.2 लीटर इंजन, स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली सिटी में आपको चलाना हो तो वो मोर देन इनफ है। एक्जैक्टली वही इंजन है जो वेन्यू में भी आता है, और Hyundai ग्रुप एक्चुअली अपनी बहुत सारी कार्स में इस्तेमाल करता है, इंक्लूडिंग ग्रैंड आई10, दी आई20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही सेम इंजन आपको यहाँ पे मिलता है विद अ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। देन यू हैव अ 1-liter टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन, दैट्स राइट, अनदर पेट्रोल इंजन विच इज एक्साइटिंग। मैंने उसे चलाया है बट उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 1.5 लीटर डीजल इंजन की, और ये जो इंजन है ये आपको एक 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में मिलता है, मतलब प्रॉपर ऑटोमेटिक अगर इस सेगमेंट में कोई आपको ऑफर करता है तो वो है किया। अब ये जो इंजन है ये भी एक्चुअली दो तरीके की ट्यून में आपको किया ऑफर करती है, एक है 99 bhp 240 nm के आसपास, और ये वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, ये लगभग आपको 113 bhp ऑफर करता है और 250 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको देता है। नाउ व्हाट दिस 250 nm डज एंड द एक्स्ट्रा पावर डज, दिस किसी भी मोमेंट आप इसे फ्लोट करेंगे एंड इट इज रेडी टू फ्लाई, लिटरली इट इज दैट गुड। मतलब Hyundai ग्रुप के डीजल इंजन हमेशा से रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, बट दिस पर्टिकुलर इंजन ऑन दिस पर्टिकुलर कार मेक्स इट रियली रियली एंजॉयबल टू ड्राइव। मतलब आप सेम इंजन ऑप्शन, सेम पावर ट्रेन, इनफैक्ट सेम 6-speed का टॉर्क कन्वर्टर आपको सेल्टॉस में मिलता है, और उससे कम वेट की ये गाड़ी है, कम साइज की ये गाड़ी है, और उसके साथ में ये सेम इंजन से पावर ट्रेन ऑफर करने का मतलब है लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग इट। स्पेशली अगर आप हाईवे पे होंगे तो आपको मज़ा आएगा, जिप थ्रू ट्रैफिक में भी हैं तो अच्छा टॉर्क हमेशा वहाँ पे भी मदद करता है, सो आई थिंक यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। कमी एक्चुअली इस इंजन में आपको कोई लगेगी नहीं, इस गाड़ी के साथ में तो डेफिनेटली लगेगी, काफ़ी एक्साइटिंग है। एक जो आप बोल सकते हो वो ये है कि इसकी जगह अगर डुअल क्लच ट्रांसमिशन कुछ हो जाता है या थोड़ा सा क्विक अगर हो जाता है रिस्पॉन्स तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, मतलब इंस्टेंट पावर जो आपके डिलीवर होनी चाहिए व्हील्स में उसमें जो हल्का सा लैग है तो वो डेफिनेटली थोड़ा बेहतर हो सकता है। बट इसका नुकसान जो है वो ये हो जाता है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है आपकी वो थोड़ी मारी जाती है, मतलब एक डीजल इंजन के साथ में आपकी पहली उम्मीद यही रहती है कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। अब कंपनी का जो क्लेम है वो 18 के ऊपर शायद फ्यूल एफिशिएंसी का क्लेम है, बट इन रियल वर्ल्ड आपको ये शहर में लगभग 13 kmpl, 13-14 kmpl बहुत अच्छे से चला रहे हैं तो 15 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे देगी, और अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो फिर जो क्लेम्ड माइलेज है उसके आसपास आपको ये मिल जाएगी, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी बहुत मात खा जाती है क्योंकि पावर ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो अगर आपके दिमाग में पावर है और ओके फ्यूल एफिशिएंसी है तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ जो आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, आई पर्सनली अप्रिशिएट अबाउट किया, इज कि ये मास सेगमेंट कार्स बनाते हुए भी उसमें जो परफॉर्मेंस का मिश्रण देते हैं, मतलब कंफर्ट है, क्वालिटी है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट उसके साथ में परफॉर्मेंस भी जब आ जाती है तो स्वाद अलग आ जाता है, और वैसा ही एक्चुअली आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा स्पेशली इस इंजन के साथ में। ना कि सिर्फ इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है बल्कि हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स भी अगर आप बात करोगे डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। स्टीयरिंग इज रियली रियली गुड टू होल्ड, ऐसा लगता नहीं कि बिल्कुल हल्की फुल्की आपको स्टीयरिंग मिलती है जो कि कॉन्फिडेंस नहीं देती है। एक चीज़ राइड क्वालिटी की अगर आप बात करोगे तो वो आपको हो सकता है थोड़ी फर्म लगे, मतलब हमें यूजुअली सॉफ्ट सस्पेंशन की आदत है क्योंकि इंडिया में जगह जगह गड्ढे हैं,
और जहाँ गड्ढे नहीं हैं वहाँ पे एक बारिश के बाद में हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे सस्पेंशन चाहिए जो कि इन ख़राब रास्तों को, रेगुलर जो ब्रेकर्स आ जाते हैं, गड्ढे आ जाते हैं, उनको अच्छे से हैंडल करें। ये अच्छा कर लेती है, बट इन कंपैरिजन ह्यूंडईज़ के फॉर एग्जांपल, वहाँ पर आपके थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर ख़राब रास्तों पर परफॉर्मेंस आपको देते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा, वो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ क्योंकि इनका ध्यान रहा है, हैंडलिंग की तरफ थोड़ा ध्यान रहा है, तो इसलिए उस हिसाब से आपको सस्पेंशन भी थोड़े स्टिफ मिलते हैं। बाकी रेगुलर अंडुलेशंस वगैरह में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाईवेज पे जो आने वाले जो डाइव्स आते हैं कई बार, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी स्टेबल आपको लगेगी। स्टेबिलिटी के मामले में तो डेफिनेटली कोई शिकायत है ही नहीं। हाई स्पीड अगर आप कर रहे हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड सारा दिन करेंगे, तो भी एकदम चिपक के गाड़ी चलती है, एंड दोज टायर्स डेफिनेटली हेल्प अलॉट। एक चीज़ जो मुझे इस व्हीकल के बारे में बहुत पसंद आई है, एक तो देखो ओवरऑल साइज़ जो है इस व्हीकल की वो छोटी है। अब छोटी साइज़ का डेफिनेट एडवांटेज होता है जब आप भरे एक ट्रैफिक वाले एरिया से निकल रहे हैं या फिर शहर में अगर आप चलाते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़, आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए जाते हैं। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इन केस, वैसे कई लोगों के लिए इरिटेटिंग हो सकता है कि बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में जा रहे हैं, बट अगर आप बहुत ही छोटी गलियों में जाते हैं जहाँ पर कभी भी हल्के फुल्के, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होता है वहाँ पे आपको चलाना पड़ता है, तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि आप एक सेफ डिस्टेंस जो है मेंटेन कर पाएँ। और पार्किंग के वक्त भी ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप पुराने शहरों में कहीं पर रहते हैं या पुराने शहर में आपको जाना पड़ता है, अपने ही ओल्ड सिटी में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत कम जगह होती है पार्किंग की, तो छोटी छोटी जगहों पे आपको पार्क करना होता है, तो वहाँ पर भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स बहुत मदद करते हैं। साथ में टर्निंग रेडियस जो है वो काफ़ी कम है, क्विक यू टर्न्स आपको लेने हो, छोटी छोटी गलियों से भी निकलना हो, हल्का फुल्के काटने हो, तो वो भी आपको मदद करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक एज अ सिटी कार भी आपको ये बहुत पसंद आएगी। और हाईवे पे परफॉर्मेंस की बात तो हम बहुत देर से कर ही रहे हैं कि हाईवे पे परफॉर्मेंस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वन मोर थिंग जो कि आपको इस व्हीकल में मिलती है, सेगमेंट में एक्चुअली और भी कई कार्स देती है, वो है मल्टीपल ड्राइव मोड्स। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं। मल्टीपल ड्राइव मोड्स कई ब्रांड जो होते हैं वो थोड़े गिमिकी ऑफर करते हैं कि ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, आप थोड़ा सा पुश करेंगे अपने हिसाब से, अगर आप बेटर ड्राइवर होंगे तो आप वो सब चीज़ें आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि इंजन में ठीक ठाक पावर भी है, ठीक ठाक टॉर्क भी है, यहाँ पे ड्राइव मोड जो है आपको तीन दिए गए हैं। एक इको मोड है, इनके हिसाब आपको शहर में चलाना हो, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी हो, तो उस वक्त जो पावर है वो ऑफकोर्स आपको कम लगने लग जाएगी। जिस भी मोमेंट आप इको पे आएंगे जैसे ही, तो आपको पावर जो है वो कम लगने लग जाएगी। जैसे अभी मैं हाईवे पे और मैंने इको पे कर लिया है जस्ट टेस्ट करने के हिसाब से, तो उतनी आउटराइड जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए थी वो नहीं मिलती है। मतलब अच्छी का अभी मैं 2500 RPM के आसपास हूँ, तभी भी मुझे वो जो पुश चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इट्स ओनली आफ्टर 3000 RPM, 3200 RPM कि आपको फील होता है कि इको मोड में भी दम है भाई साहब। अब आपको नॉर्मल मोड में चलाना हो, ना आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, ना आपको बहुत आउटराइड परफॉर्मेंस चाहिए, एक बैलेंस चाहिए, तो आपको नॉर्मल मिलेगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड में इसे डाल सकते हैं। स्पोर्ट मोड में जैसे डालेंगे, अब आपका जो इंजन है वो उसी पावर बैंड में रहता है, उसी RPM बैंड में रहता है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले। अभी मैं एक्चुअली 2200 RPM भी कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि भाई अच्छी खासी पावर ये आपको डिलीवर कर रहा है, जो कि एक काफ़ी एक्साइटिंग सी चीज़ है। तो अगर आप हाईवेज पे चला रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि क्योंकि अगर आप ये व्हीकल लेंगे टॉप एंड वेरिएंट, एक्स्ट्रा पावर के लिए पैसा देंगे, तो उसका मज़ा भी उठाइए, उसका लुत्फ भी उठाइए और स्पोर्ट मोड में डालिए। एंड आई एम टेलिंग यू द इंजन फील्स लाइक इट्स ऑन द बॉइल ऑल द टाइम, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये है इसका IMT वर्जन। अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैं ऑल ब्लैक कार में बैठा था, अब ये गाड़ी चेंज कैसे हो गई। एक्चुअली मैंने ये चेंज की है क्योंकि जैसे कि आपको पता पड़ जाए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ऑल ब्लैक थीम मिलती है अगर आप GT लाइन लेते हैं। अगर GT लाइन नहीं लेंगे तो आपको ये डुअल टोन टाइप का फिनिश आपको दिया जाएगा। तो ये डुअल टोन फिनिश आप देख रहे होंगे, आपको ये ब्लैक कलर का यहाँ पे मिलता है, बेज कलर का यहाँ पे मिलता है। हालांकि आई थिंक ये गंदगी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑल ब्लैक में वो दिक्कत नहीं आती है। उसके अलावा लेआउट के हिसाब से बिल्कुल सेम है, बस ये डुअल टोन फिनिश आपको यहाँ पे दे दी गई है। बट क्वेश्चन ये है कि IMT एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या ये सीमलेसली काम कर सकता है? अगर आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन को छोड़ें और इसको लें तो क्या आपके लिए एक सेंसिबल ऑप्शन है? तो IMT के बारे में मैंने जब वेन्यू IMT का रिव्यू किया था तो थोड़ा डिटेल में बताया था कि कैसे काम करता है, बट वापस से मैं बताता हूँ। IMT बेसिकली क्या होता है, क्लचलेस मैनुअल है। अगर आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ये नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी क्लच पैडल नहीं है, आपके पास में ब्रेक पैडल है और आपके पास में ये एक्सेलरेटर पैडल है, मतलब दो पैडल का ये सिस्टम है।
हालांकि जब ये गियर स्टिक की अगर आप बात करोगे तो ये आपको मैनुअल वाली मिलती है, मतलब वही गियर चेंजेस जो करने हैं आपको मैनुअल की जैसे ही करने हैं बट विदाउट क्लच। अब आप पूछेंगे कि क्लच काम कैसे करता है। क्लच ऐसे काम करता है, जब भी आप गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक सेंसर लगाया गया है, इंटेंशन सेंसर से बोला गया है, जो कि चेक करता है कि आपकी इंटेंशन है गियर चेंज करने की। तो जिस भी मोमेंट आप गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं वो इन्फॉर्मेशन वो ECM ECU को देता है और क्लच का जो एक्चुएशन है वो फिर सेंसर्स की मदद से ऑटोमेटेड तरीके से हो जाता है। तो कहने का मतलब क्लच का आपको ध्यान नहीं रखना है बट स्टिक जो है वो मैनुअल वाली हो जाती है। अब आपके कुछ एक सवाल आए हुए थे कि कैसे क्या काम करता है ये, तो उस पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर आपको इसको स्टार्ट करना हो तो बेसिकली सिंपल, आपको इसे फ्री पोजीशन में रखना है, मतलब आपको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। अगर आप इसे फर्स्ट गियर में रखेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेसरीज आपकी सारी ऑन हो जाएगी बट इंजन जो है वो आपका ऑन नहीं होगा। अगर आपको इंजन ऑन करना है, आप कोशिश करेंगे अगर इसको इंजन ऑन करने की, तो आपको ये थोड़ी देर बाद में इन्फॉर्मेशन बता देगा कि आप Shift to end to start engine, तो आपको न्यूट्रल पोजीशन में आना पड़ेगा, मतलब जैसे मैनुअल काम करता है। उस पर लाने के बाद में आप इसे जैसे ही स्टार्ट करेंगे, ब्रेक दबाकर आप इसे स्टार्ट करेंगे और ब्रेक दबाकर स्टार्ट होने से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद में आपको जो ऑफकोर्स गियर चेंज करना है और रेगुलर मैनुअल के जैसे ही आपको गियर चेंज करना है। फर्स्ट गियर में आपने लगाया और इसका क्रीप फंक्शन जो है वो किक इन हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये खुद ही चल रही है, मैंने अपना पांव जो है एकदम हटा रखा है, स्टीयरिंग पे सिर्फ अपना हाथ रख रखा है, अपने आप चल रही है। तो 8 kmph तक का जो स्पीड है वो आपको मिल जाता है क्रीप फंक्शन में। उसके बाद में जब आप इसे पुश करना शुरू करते हैं, एक्सेलरेटर पेडल पर अपना पांव लाइए और फिर ये स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि गियर चेंज करते वक्त ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप एक अच्छी खासी स्पीड पे होंगे और क्लच का ऑपरेशन ऑटोमेटेड है, आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे और जब गियर चेंज करेंगे तो आपके लिए सेफ्टी हजार्ड भी एक हो सकता है और गियर बॉक्स के लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। सो इट्स बेटर कि अगर आपको गियर चेंज करना हो तो सिंपली एक्सेलरेटर पेडल से अपना पाँव हटाइए और गियर चेंज कर लीजिए, वापस से अपना पाँव रख लीजिए एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग अगैन। आई थिंक काफ़ी सीमलेसली काम करता है, कोई परेशानी यहाँ पर मुझे लग नहीं रही है। बट कुछ एक सवाल जो आप लोगों के आए थे कि मान लीजिए अगर आप अच्छे खासे ट्रैफिक में जा रहे हैं, एकदम से आपको रुक जाना पड़ रहा है तो क्या ये गाड़ी बंद हो जाएगी? अभी आपको दिखाता हूँ, ये थर्ड गियर में मैं हूँ, अभी फोर्थ गियर में मैं हूँ, अभी फिफ्थ, और अब मैंने इसे ब्रेक मार दिया फिफ्थ गियर में है, ध्यान रखिए फिफ्थ गियर में होने के बाद भी अब ये क्या बोलता है, प्लीज शिफ्ट डाउन। पर अगर आप देखोगे तो गाड़ी बंद नहीं हुई है, दैट मीन्स गाड़ी डेफिनेटली बंद नहीं होगी। अब आप सिंपली इसे फर्स्ट गियर में वापस से लगा दीजिए एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग अगैन। इन फैक्ट एक और चीज़ आपको बताऊं, ये सेकंड गियर में भी अगर आप हैं और 0 kmph पे आ गए हैं, फर्स्ट गियर में ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट गियर में, लेकिन आप सेकंड गियर में भी अगर हैं तो सेकंड गियर से भी गाड़ी जो होती है वो पुल करना शुरू हो जाती है। और ये फीचर बहुत ही यूज़बल है अगर आप स्पेशली स्नो में चला रहे हैं, कहीं पर ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ट्रैक्शन बेटर चाहिए, इंस्टेंट पावर नहीं चाहिए, तो सेकंड गियर एक्चुअली आपको वही यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सेकंड गियर में 0 kmph के आने के बाद भी ये नहीं बोल रहा है वो कि शिफ्ट डाउन, आप वहीं से मोमेंटम ले सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे और वहाँ पे फिर आपने ब्रेक लगाया, 0 पे आ गए आप, स्टैंड स्टिल पे आ गए, तो फिर ये आपको गियर डाउन करने को बोलेगा। बट ओवरऑल फंक्शन जो है काफ़ी सीमलेसली काम करता है, आई डोंट थिंक परेशानी होगी। अब अगर आप इस इंजन की बात करोगे स्पेसिफिकली तो काफ़ी ट्रैक्टेबल ये इंजन आपको लगने वाला है, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ टर्बो चार्ज इंजन, उसके बाद भी काफ़ी ट्रैक्टेबल है। टर्बो किक इन जब होता है उसके बाद में एकदम इंस्टेंट पावर मिलती है, बट उसके नीचे ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भी पावर नहीं है, लैग बहुत ज़्यादा है, लैग है बट मैनेजेबल है शहर के हिसाब से। और अगर आप जब इसे पुश करना चाहते हैं, यू सिंपली टैप फॉर द एक्सेलरेटर एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस 3000 RPM मार्क, एकदम जो सर्ज ऑफ पावर अब आपको मिलता है क्योंकि टर्बो अपना काम करना शुरू कर देता है एंड इट बिकम्स रियली रियली एक्साइटिंग। इट्स थर्ड गियर, आई एम ऑलरेडी डूइंग 100 kmph व्हिच इज अमेजिंग बिकॉज इट्स प्रीटी टॉल। थर्ड गियर और फोर्थ गियर दोनों काफ़ी टॉल हैं, ट्रैक्टेबल हैं, जो आप इजीली अगर रेगुलर डे टू डे ट्रैफिक में चला रहे हैं तो वहाँ पे भी काम आएगा, अगर आपको एकदम से पुल लेना हो तो वहाँ पे भी काम आएगा।
अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे तो फ्यूल एफिशिएंसी ये आपको एक्चुअली ठीक ठाक ऑफर कर देता है। 12.6 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, जो कि अगर ये खड़ी भी रहती है, कई बार एसी चालू रहता है उसकी वजह से थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, बट इजीली आई थिंक आप 13-14 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी शहर में निकाल सकते हैं, जो कि एक टर्बोचार्ज इतने एक्साइटिंग इंजन के लिए अच्छा खासा फिगर है मेरे हिसाब से। और अगर आप हाईवे पे लेके जाएंगे तो आप इजीली आराम से 15-16 kmpl आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द वे दिस होल IMT थिंग वर्क्स, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि आपका जो लर्निंग कर्व है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीलर्न करने में, अनलर्न करने में जो टाइम लगता है उसमें आपको टाइम लगेगा, बट आप एक दो दिन चलाएंगे तो आप यूज हो जाएंगे। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट और किया के पास में ये तीसरा विनर हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्राइसिंग अभी तक इसकी नहीं आई है, प्राइसिंग इसकी जल्दी आ जाएगी, थर्ड वीक मोस्ट प्रॉब्ली इसी मंथ में प्राइसिंग इसकी आ जाएगी, तब हमें ज़्यादा पता पड़ जाएगा कि कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है कौन सा नहीं है। तो उस पर एक छोटा वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो हम बना देंगे, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।